हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परमिता होम गार्डनिंग चैनल में। और आज मैं अपना आपको एक लेमन प्लांट दिखाने वाली हूँ और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी सालों से है मेरे पास। 7 साल इसको हो चुके हैं फ्रेंड, 6-7 साल हो चुके हैं इसको। और ये मैंने एक छोटा सा पौध लेके आई थी मैं, जो एक बीजू प्लांट है ये। कोई कोई बोलता है कि बीजू प्लांट पर जो बीज से उगाया जाता है उस पर काफ़ी लेट जो फ्रूटिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केयर करोगे, अच्छा आपका प्लांट है, तो ये मुझे 2.5 साल के बाद ही फ्रूटिंग देने लगा था। क्योंकि आप छोटा भी, अगर आपको ड्राफ्टिंग प्लांट भी आप लाओगे तो वो भी 1-1.5 साल ले लेता है। हाँ, वो थोड़ा छोटा जरूर, ड्राफ्ट वैरायटी का जरूर छोटा देने लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे ये शुरू में इसने 4 या 5 फ्रूट मेरे को दिए थे, यानी ये नींबू मेरे को दिए थे इसने, उसके बाद जैसे ही अगला सीज़न आया उसके बाद अच्छी फ्रूटिंग इसने की। केयर भी इसकी मैंने अच्छी की, इसमें कोई उस टाइम पे कोई फंगस या इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं हुआ था इस पर। तो काफ़ी, मतलब ये बीमारी इसमें देखने को नहीं मिली थी। पिछली बार इसमें ये बीमारी देखने को मिली कि जो भी नींबू थे पर आए थे उसमें ज़्यादातर पकने के टाइम पर सड़न, यानी सड़ने लगा था अंदर से जो हमारा फ्रूट था। तो उसके लिए मैंने इसका एक ही जो उपचार है वो ये करना है होगा फ्रेंड, कि जब ये छोटे जो आपका फल बना हुआ हो, जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं, अगर कहीं पर लगा हुआ होगा ये, तो काफ़ी जैसे इतना छोटा भी है तो आप उस पर भी स्प्रे, आप फंगसाइड का स्प्रे कीजिए, कोई भी फंजीसाइड आपको मिल जाए या किसी भी कीटनाशक का आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इससे बड़े नींबू पर, फल पर प्रयोग करोगे तो वो खाने में भी उसका टेस्ट बदल जाएगा और वो अंदर तक असर करता है इसके। इस टाइम पे बिल्कुल कच्चा है, यानी कोई भी इसके अंदर लिक्विड नहीं बना है, तो आप इस टाइम पर आप इसका स्प्रे एक बार कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपके नींबू सड़े नहीं। और मैंने ये, जैसे कि आपको बताया कि एक बीज से लगा हुआ पौधा है, मैंने कोई भी ड्राफ्टिंग पौधा नहीं लिया है। ये काफ़ी घना था फ्रेंड और काफ़ी स्पेस में फैला हुआ था, देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे मेरा गुलाब है, एक वो है जो यहाँ पे, ये है मेरा ये मौसमी का प्लांट है, वैसे तो मौसमी का आते इसमें संतरे हैं, और इसलिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया था कि सभी प्लांट को अपना अपना स्पेस थोड़ा थोड़ा मिल जाए। तो आप देखिए जहाँ जहाँ से मैंने काटा था तो न्यू शूट्स निकल के आई हैं इसकी, हर स्टेम पे देखिए फ्लावरिंग, ये देखिए कितनी ज़्यादा कर रहा है, और फ्रूटिंग भी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं पे बोले जाते हैं अरे भाई नींबू का पेड़ काटना नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कहते हैं अरे नींबू का पेड़ नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, अगर ये ज़्यादा झाड़ की तरह हो जाएगा तो आप इसको हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दीजिए और आपकी नई नई लीव आएंगी, तभी हर स्टेम पर आपकी फूटिंग करेगा। बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो इसको जब भी आप ये जैसे इतना बड़ा पेड़ हो, अब जड़ में देखिए इसकी, तो जब भी इतना बड़ा पेड़ हो ना आपका, तो उसके कम से कम 6 इंच का आप रिंग बना लीजिए चारों तरफ की घेरा, उसकी मिट्टी खुदाई करके और आप उसमें खाद वगैरह चारों तरफ डाल दीजिए। खाद वही वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी, जो कंपोस्ट हुई हो बेस्ट होती है। और 15 दिन में फ्रेंड इसमें DAP के दाने जो हैं 10 से 15 आप चारों तरफ डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए, पानी उसके बाद ही दीजिए। और ये जब आपको खाद डालनी है तब आपका प्लांट इसी तरह सूखा हुआ होना चाहिए। खुदाई करके आप इसकी जो उसमें खाद डालिए, DAP के दाने डालिए और मिट्टी कवर करके फिर उसको पानी दे दीजिए एक बार अच्छे से। पानी भी हमें ये नहीं कि रोज़ ही उसको भर देना है, जब आप देखें कि ये प्लांट हमारा सूखने लगा है, यानी मिट्टी सूखने लगी है इसकी, तब आप इसको पानी दे दीजिए। ज़्यादा पानी देने से भी इसको प्रॉब्लम होती है और कम पानी देने से भी, तो पानी का जो बैलेंस है उसको सही रखिएगा। ये मेरे जो अचार वाले नींबू हैं फ्रेंड, और सर्दियों के मैं इसे ले चुकी हूँ, अब ये गर्मियों की फूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसमें इतने नींबू आते हैं
कि मुझे देने पड़ जाते हैं, मतलब देने घर के लिए मेरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं सभी इसका यूज़ सभी में करती हूँ, सलाद वगैरह, शिकंजी वगैरह सभी में। तो आप भी करिए, और जिसको टेरिस ये होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो आप टेरिस गार्डन भी कर सकते हो, गार्डनिंग भी कर सकते हो। आप एक बड़ा ड्रम लीजिए, तकरीबन ये आएगा आपका 25-30 इंच के करीब, और उसमें ही मिट्टी बना के इसकी, और अच्छे से, जैसे कि मैं पहले भी प्लांट में बता चुकी हूँ, अगर आप इसमें कमेंट करके किसी को लगाना है तो कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूँगी। तो उसकी मिट्टी अच्छे से ड्राम में ड्रेनेज होल बनाइए, और अच्छे से अपनी टेरिस पे ये प्लांट आप लगा सकते हो उस ड्राम में, क्योंकि इसको बड़ा ड्राम चाहिए, बड़ा प्लांट होता है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती इसकी, इसकी जड़ें गहराई और चौड़ाई में फैलती हैं, इसलिए आप इसको लगा सकते हैं अगर आपका मन है। मेरा तो ये अच्छा है, मेरे को तो ज़मीन मिली हुई है यहाँ पे, लेकिन जिसके पास नहीं है वो सब ये कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी प्लांट के बारे में बताना चाह रही थी। देखिए, एक मेरे पास ये, मैंने एक साल पहले ये छोटे वाला जो लेमन का जो प्लांट है वो लगाया था, ये भी मेरे पास एक बीजू प्लांट है, और मैं इसकी अपडेट आपके तक देती रहूँगी। अभी तो इस पर कुछ फ्रूट या फ्लावरिंग कुछ भी नहीं हुई है, और एक साल का हो चुका है। ये देखिए, ये ड्राफ्टिंग नहीं है, ये बीजू ही प्लांट है, और मैंने ऐसे ही पड़ोस में लगा हुआ था, उन्हीं से ले लिया, और जैसे ही इस पर जिस टाइम पर भी इस पर फ्रूटिंग होगी या फ्लावरिंग, पहली फ्लावरिंग होगी, आप तक इसकी अपडेट मैं सारी दूंगी, जैसे जैसे भी, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स आपका ये भी सवाल रहा होगा कि बीजू प्लांट पर 5-6 साल में आता है फल। नहीं, उसका तो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इसकी मैं अपडेट टू अपडेट आपके पास पहुंचाती रहूंगी। इस प्लांट की देखिए कोई भी फ्लावरिंग नहीं है, पर ये एक साल का है, जैसे भी आगे जिस तरह भी ये सर्वाइव करेगा उसकी अपडेट मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।